हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MCM ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। और आपके साथ मैं एक नया वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लेकर आ चुका हूं। आपको थंबनेल से पता ही लग गया होगा वीडियो किस लिए है। तो आज जैसा आप सबको पता है कि मैं काफ़ी दिनों बाद गाँव आया हूँ, तो जो है अपने गाँव में हूँ और यहाँ मैं अपनी माता जी से मिलाऊँगा, जो कि उनकी उम्र जो है काफ़ी हो चुकी है। तो उनसे काफ़ी सारी बातें करेंगे, उनके ज़माने में क्या क्या होता था, कैसे कैसे क्या, उनसे मिलवाऊंगा। ढेर सारी बातें होंगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इंटरटेनमेंट भी आपका होगा और काफ़ी सारे नई नई भी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो वीडियोस को लास्ट तक देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलाते हैं मेरी माँ से। माँ देखिए दोस्तों, हमारी माता जी आ गई हैं। हम लोग इनको जो है अम्मा बुलाते हैं। बैठ जा। देखिए दोस्तों, इनकी उम्र जो है लगभग 75 साल होगी। काम माँ 75 साल। तो 75 साल का मतलब वही 1945 इनकी। हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की इनकी पैदाइश है। तो आप सोच लीजिए जो है कितनी वृद्ध हैं, फिर भी जो है अपने बहुत सारा काम खुद ही कर लेती हैं। अभी इनका हाथ पैर सब जो है अच्छे से काम कर रहा है, इसीलिए पुराने लोगों का जो है आप देखते होंगे। फिर अम्मा बतावा फिर कुछ पुरान बात। पुरान बात का बताई भैया, पहले अपन नाम बताओ सबसे। हमार नाम तो शिवपति देवी है। दोस्तों इनका नाम शिवपति देवी है। तो अम्मा बतावा पुरान बात। माँ जो ना जब देश नहीं आज़ाद बरान तब जमींदार के उरान ना आरी बगल जमींदार सब रहे, जमींदार रहे, राजा का राज रहे, राजा का राज, अमेठी के राजा रहे ना, अमेठी के राजा का राज ही रहे। हाँ, वही में अंग्रेज का टैक्स देते रहे सब। सबसे लगान वसूल के, सबको लगान वसूल, जो नहीं दे पावत रहन है ओका खेत कटा लेते रहे। और पुराने समय में खेती होती कैसे होत रही? खेती होती रही ही बर्धा से जोता जात रहन हरे से, और उसके बाद सिंचाई होती रही पूर्ण नहान से। पूर्ण नहान दोस्तों आपको बता दें, कुएं से जो है पानी निकाला जाता था, पानी निकाला जाता है। ये दो बैल मिलके जो है एक उससे रहता था, राहट चमड़े का बनता था, उसको जो है खींचते थे तो वो पानी जो है भरता था और कुएं पे दो लोग बैठे रहते थे, उसको उठा के और नाली में डालते थे। तो एक बीघा सिंचाई में कई दिन लागत रहन? दो दिन तीन दिन लागत। तो दोस्तों सोचिए, एक बीघा सींचने में 2 से 3 दिन लगता था और आजकल एक बीघा सींचने में 1 घंटे भी नहीं लगता। तो कितनी परेशानियाँ पहले के ज़माने में थी, सोचिए लोग कैसे रहते थे। तो और कई जो ना बैल वैल मतलब पहले बहुत महत्व माना जात रहा ना, ट्रैक्टर उक्टर तो रहा नहीं, ट्रैक्टर नहीं रहन है, तीन तीन हरे का बर्धा रहत रहे हमारे। सोचिए दोस्तों, पहले ये जो आवारा पशु टहल रहे हैं इनको जो है कितना महत्व दी जाती थी, लेकिन जब से ट्रैक्टर मशीनरी आ गई तब से गाय बैल सब लोग छोड़ना शुरू कर दिए, इसीलिए और समस्या बढ़ गई है। तो जो है अब सोच लीजिए। और बतावा अपने ज़माने में, फिर तोहरे ज़माने में जब चक्की आटा पिसाई उसाई नहीं रही तो कैसे बनवत खाद जात रहे? अरे जात रहन है वही जाते माँ लकड़ी के हथौड़ गाड़ा रहत रहन, वही से नहीं ऐसे ऐसे पीसत रहे हैं। पीसी कूटी मोट के मूसर रहे बड़ा के 10 किलो वजन। सोचिए दोस्तों, पहले आटा चक्की और ये सब चावल का नहीं था, तो हाथ से ही सारी महिलाएं जो है काम करती थी दिन भर और शाम को फिर खाना भी बनाती थी ना। उस समय गैस वैस नहीं था, लकड़ी से ही खाना बनत रहा ना। 3 बजे रात से कूटी हम सब, सुबह 3 बजे रात से कूटना शुरू कर देती थी, तब हम लोग को जाके उस समय के लोगों को 10 बजे तक खाना मिलता था। सोच लीजिए, तो जूनी 3 बजे से पीसे ला गए तो फिर 8-9 बजे खाना। 1 किलो जैसे पीसे के रहत कितना टाइम लागत रही? 1 किलो का 2 किलो में 2-3 घंटा लग जाए। 3 घंटे पीसने के बाद 3 किलो जो है राशन पीसा जाता था, तो उसमें 6-7 जने खाते रहे ना। 7 जने तो 6-7 लोगों का खाना बनता था।
अब सोच लीजिए जो है कितना मेहनत पड़ती थी, ये सब हो गया खाना बनाने में, और उसके बाद कच्चे घर में बताइए कच्चे घर की हालत। अरे कच्चे घर में भैया बहुत परेशानी रही ही, रेह फुलात रही ही, लीपे के परत वहाँ हरा ठहरे, गोबर से लीपना पड़ता था, गोबर से लीपे के परत, ये छप्पर वाला ही घर रहता था, जो बहुत बड़े लोग थे वो खबरेल रखते थे, जेकरे खपरन नहीं रहत रहने आग लगा बर जाए सब, हर साल आग में जो है जल जाता था मकान, और ये जो है छप्पर का ही लोग जो धान निकलता है उसी का जो है छाते थे और उसी में रहते थे, और वो हर और जिसका कच्चा घर रहता था वो बारिश में गिर भी जाता था। हाँ रात की धमाधम में गिरा था। जैसे दोस्तों अभी हम आपको अपने सामने कच्चा घर है उसका थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे कच्चा घर रहता था। देखिए दोस्तों ये हमारे पड़ोसी का घर है, ये कच्चा ही है अभी, तो इसी तरह खपरेल का कच्चा घर रहता था। आप सोचिए जब बारिश होगी तो पूरा गिर जाता था, इसी तरह कई लोग दब भी जाते थे, कई लोग मर भी जाते थे। तो फिर बताओ अम्मा जो ना शादी ब्याह कई दिन के जो ना होत रहन बारात वरात कैसे? अरे तीन दिन भैया टिकट रहे ही बारात, सोचिए बारात तब तीन दिन टिकट रही ही, वहीं पहुड़ा रहा है, वहीं पर जाजिम बिछावा रहा है, वहीं पहुड़ा रहा है, वहीं 3 दिन खाएं तब 3 दिन बाद बारात जाती लाई या चना या गुड़ बटा तरहन दोपहर संध्या की खाना मिला था। बारात सब कैसे जाते थे? पैदल लड़िया से? लड़िया सनी जाए सब पैदल जाए, ज्यादा कहके लड़िया पर सर सामान जाए या लड़का वड़का जाए। सोचिए दोस्तों पैदल ही सब बारात जाते थे, जो सामान रहता था वही जो बैलगाड़ी लड़िया बोली जा रही वो बैलगाड़ी थी, तो उसी पे जो है सामान आता था और सारे लोग बाराती पैदल जाते थे। अम्मा पहले के जमाना बढ़िया रहन की आपका? अरे भैया बढ़िया तो आपका यह है आराम के मामले में ना, आराम के मामले में और तो पहले बढ़िया खाए पिए मजबूती, खाए पिए बीमारी उमारी, हाँ बीमारी केहू के नहीं होत रही। सोच लीजिए पहले दोस्तों बीमारी होती थी, दवाई तो एक गोली केहू खाता ही नहीं रहा, बुखार आवत रही तो सब नीमी का सीका तुलसी के पाती यही के काढ़ा पियत रहे। दोस्तों ये जो नीम हमारे यहाँ देख रहे हैं ये जो है कितने साल में पुरान हुए नीम? कम से कम 80 साल का हुए। दोस्तों ये नीम का पेड़ देखिए 80 साल पुराना है, तो जब किसी को भी फीवर और बुखार आती थी तो इसी का सीका पी जो है पीस के पी लेते थे और ठीक हो जाते थे। तो सोचिए पहले दवा भी नहीं होती थी फिर भी जो है लोग ठीक हो जाते थे। तो नीम मतलब बहुत औषधि के रूप में काम की जाती थी, तो यही सब था। और का होत रहन पहले के जमाने में खाए पिए में? चावल गेहूँ? भैया चावल होत रहन है भूंजा जात रहन है, काला वाला, काला काला करिया करिया कूटा मोटा चावल रहता था, बहुत मोटा चावल, लेकिन भैया तू सूखा चाहे खा लिया दो चार, स्वादिष्ट इतना रहता था कि चाहे आप बिना दाल और सब्जी की खा लिया, बहुत स्वादिष्ट रहा। पहले ये सब मोटा अनाज खत्म हो गया है और सरकार फिर इसको जो है वो कह रही है लगाइए, तो एक बार खत्म हो गया इसलिए बीमारी भी आ गई। सोचिए पहले लोग यही मोटा अनाज खा के जो है मजबूत रहते थे। हाँ भैया केहू के बीमारी नहीं होत रही, केहू बुखारो नहीं आवत रही केहू के हाल ही। सोचिए पहले के जमाना भी जो है कई मामलों में अच्छा था और अब का भी है, अब जो है यही है बदलाव जो है होता रहता है। और केहू कता जात रहन तो पैदल ही जात रहन ना, गंगा नहाए दोस्तों। देखिए यातायात का साधन उस समय बहुत कम ही था, तो जो है जो भी कोई मेला जा रहा है कोई गंगा स्नान के लिए जा रहा है तो पैदल ही सब लोग जाते थे, 2-3 दिन में पहुँचते थे, पिसान बांध के अभी इतना बगिया उगिया पड़े तो वहीं रुकाए बनवाए खाए लोटा डोरी ले रहें और वही सनी पानी भरा। सोचिए हाँ ये कुआं आपको जो है बता दें, पहले जो है नल वगैरह नहीं था तो सिर्फ कुएं का साधन था, तो हर जगह लोग लोटा लेकर और रस्सी लेकर जाते थे, तो बीच में जहाँ कुआं मिलता था वहाँ जो है पानी जो है निकाल के पी लेते थे। हमारे गांव में भी 7 कुएं थे। अब आने में काफ़ी मुसीबत झेलने के बाद मेरी माँ इस ज़माने में भी जो है काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है इनके पास है, तो बताएंगी इस ज़माने में उन्होंने क्या क्या किया है। अम्मा जो ना बताओ ये जमाना में सबसे बढ़िया काव जो ना अबे तक जो ना तू का अच्छा लगा है काव करे? यहाँ
सबसे बढ़िया का चीज करे मच्छर लाग? हवाई जहाज पर चढ़ी ने। कई बार चढ़े यार? 7 बार। दोस्तों देखिए, 7 बार जो है एरोप्लेन में चढ़ी हैं और हमारे 3-4 गांव में जो है ऐसा करने वाली एकमात्र महिला हैं, तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और इनको काफ़ी अच्छा लगा था। और तो शहर में भी इनको रहने का मौका मिला और हवाई जहाज़ में भी चढ़ने का मौका मिला, तो काफ़ी इनको जो है अच्छा जो है लगा था। तो नए ज़माने में भी आके काफ़ी सारी चीज़ों ने इन्होंने की हैं। और इनके पास मोबाइल है, अपना मोबाइल जो है अभी दिखाएंगे आपको। दोस्तों देखिए, इनका मोबाइल है, छोटा सा मोबाइल है, और ये इससे ये जो है घर के सभी सदस्यों का नंबर मिला सकती हैं, ये उनसे बात कर सकती हैं। तो जो है आप सोचिए, इतना सब कुछ कर सकती हैं। आप लोग इनको दें जो है नमस्ते करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सब हमारे देखें वीडियो, ढेर जने देखें खूब। आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा तक लाइक करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों कैसा रहा यह वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर बताइए। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और पसंद करें। और यह वीडियो अभी सिर्फ मम्मी के साथ है, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर इस वीडियो पर आप लोग 1000 लाइक करा देंगे तो मैं मम्मी पापा दोनों के साथ वीडियो बनाऊँगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट के लिए बढ़ाइए, जिससे जो है यह वीडियो 1000 लाइक तक पहुँचे। धन्यवाद।